नमस्ते बच्चों, आज बेटा हम क्लास 9th SST का इको का चैप्टर 2 जो है एक बार फिर से इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। ऑलरेडी इसकी जो है रीडिंग हम क्लास में कर चुके हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने भी एडमिशन लिया है, दैट्स व्हाई ये चैप्टर हम दोबारा से एक बार रिवाइज करें। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। द चैप्टर नेम इज पीपल एज रिसोर्सेस, संसाधन के रूप में लोग। लोगों को कैसे किसी देश में संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, कैसे जो एक ह्यूमन कैपिटल है, एक मानव पूंजी निर्माण का जो कार्य है, वो अच्छे लोगों के साथ, स्वस्थ लोगों के साथ, शिक्षित लोगों के साथ किसी देश के निर्माण में सहायक होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, द वैल्यू ऑफ हेल्थ विच इज़ पुट इनपुट टू द डेवलपमेंट इन टू द कंट्री। लोग ही किसी देश के जो है निर्माता होते हैं। जिस देश के लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे, वो अपने देश के विकास में कैसे योगदान कर सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्टली हियर अ शॉर्ट स्टोरी फॉर यू। इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू input of greater knowledge in the form of improved production technology can rapidly increase the productivity of scarce and resources. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. तो बेटा इस green revolution जो एक हरित क्रांति हमारे देश में 1960s में आई थी, 1960 में हमारे देश में हरित क्रांति, उसके बाद श्वेत क्रांति। हरित क्रांति में बेटा जो हमारा एग्रीकल्चर इरा है, कृषि से संबंधित क्रियाएं हैं, उनके विकास के लिए काम किया गया था। प्लस श्वेत क्रांति की अगर हम बात करें, मिल्क रेवोल्यूशंस की अगर हम बात करें, तो उसमें पशुओं से ज़्यादा दूध और दूध से बनी चीज़ों का निर्माण कैसे किया जाए, इस चीज़ में जो है हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्विंग पॉइंट और उसमें कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, वो हमने किया। तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। ह्यूमन रिसोर्सेज का निर्माण इज टू शॉर्ट स्टोरी फॉर यू, स्टोरी ऑफ सकल, स्टोरी ऑफ विलास। ये छोटी छोटी जो कहानियाँ यहाँ पर दी हुई हैं बेटा, इनसे हम ये समझते हैं कि कैसे मानव निर्माण हो सकता है, कैसे एक शिक्षित और स्वस्थ मनुष्य ही देश के विकास में योगदान कर सकता है। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी आल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वे बिकॉज द एडवांटेज ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्दियर पॉपुलेशन सपरेट टू डूज आल्सो हु देमसेल्फ वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। यहाँ से हम ये समझते हैं बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही किसी देश के काम आ सकती है, लेकिन उसको उसके एबल बनाना ये भी किसी देश की जिम्मेदारी है। ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड और फिजिकल कैपिटल। हम दूसरे संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं, दूसरी तरह के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, एक देश के पास जो संसाधन होते हैं, अगर उनको अच्छे से अच्छे यूज़ करना है, उपयोग करना है, तो हमें वहाँ के मानव संसाधनों का निर्माण अच्छे से करना होगा। मानव संसाधन के बिना, ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना, दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी यूजलेस जो है वो हो जाते हैं। तो हियर इज़ अ स्टोरी, शॉर्ट में मैं आपको ये स्टोरीज बता रही हूँ। यहाँ पे सकल टू फ्रेंड्स की स्टोरी दी हुई है, सबसे पहले सकल और विलास। तो सकल की स्टोरी हम पढ़ेंगे। सकल जो है, ठीक है जी, सेमापुर एक गांव इसमें बताया गया है, जिसमें सकल नाम का एक लड़का जो है 12 साल का, और एक विलास जिसकी स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे। तो दोनों ही जो हैं ये 12 साल के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड। देखो जो सकल के पिताजी हैं वो खेती का काम करते हैं, उसकी जो माता जी हैं वो घर में ही काम करती हैं। His mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. तो शकल की थोड़ी सी एक आपको फैमिली बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि वो अपनी मामा की भी हेल्प करता है, प्लस अपने छोटे भाई बहन को भी देखता है। His uncle Shyam has passed the matriculation examination. उसके जो चाचा जी हैं उन्होंने 10th जो है पास की हुई है। But was sitting idle in the house as he had no job. पर उसके पास कोई जॉब नहीं है। Bhuta and Sheila were eager to ease Shakal.
They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examinations. तो सकल के जो मम्मी डैडी हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, उसने उसको जो है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, मम्मी बोल रही हो ना, अरे बोल गए बता. His father persuaded him to continue his studies. उसके पेरेंट्स जो हैं, उसने सकल की हेल्प की, उसकी जो है स्टडी कंप्लीट करवाई और उसकी जो है कंप्यूटर कोर्स उसको करवाया एज अ वोकेशनल कोर्स. सकल वाज मैट्रिक्स एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग. सकल जो है स्टार्टिंग से ही जो है एक अच्छा इंटेलिजेंट जो है लड़का था और पढ़ाई में बहुत ध्यान था उसका. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. बहुत ही उत्साह के साथ उसने अपने जो हैं सारे courses पूरे किए. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. ये course करने के बाद उसे एक private firm में job भी मिल गई और उसने अपना एक software भी जो है design किया. This software helped him increase the sale of firm, his boss, knowledge, his service and rewarded him with a promotion. तो इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे सकल ने पढ़ लिख कर जो है अपना भी नाम रोशन किया, प्लस उसे जॉब भी अच्छी मिल गई, उसके बॉस भी जो है उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए. ठीक है, इसके ऑपोजिट हम दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं यहाँ पे, स्टोरी ऑफ विलास. इयर्स ओल्ड बॉय रेजिडिंग इन द सेम विलेज एज सकल. सकल के ही गाँव में एक दूसरे बच्चे की कहानी आपको यहाँ पर बताई जा रही है. विलास, विलास के पिताजी हैं जो वो एक मछली पकड़ने वाले हैं, फिशरमैन हैं. उसके पापा जी की जो डेथ है वो बहुत पहले ही हो चुकी थी जब वो सिर्फ 2 साल का था. हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली. उसकी जो माता जी हैं वो मछली बेचने का काम करती हैं ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके. शी कुड अर्न ओनली ₹150 a day बाई सेलिंग फिश. उसकी इनकम आपको यहाँ पर बताई जा रही है. विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ एथरलिस्ट. His mother could not afford to take to doctor. उसके जो विलास है वो पहले से ही जो है बीमार है. ठीक है, बट उसकी मामा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा सके. He could not go to school either. वो स्कूल भी नहीं जा पाता है क्योंकि इतने जो है उनके पास पैसा ही नहीं है, वो पेट अपना मुश्किल से भर पाते हैं. He was not interested in studies. के साथ साथ उसको जो है पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि देखो बेटा उसका एटमोसफेयर ही ऐसा है, वो बीमार है, प्लस उसके घर पे इतने पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से उसका इलाज करवाया जा सके. तो वो जो है फिजिकली भी वो ठीक नहीं है, इसीलिए वो पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है, आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर. उसकी मामा भी बीमार हो जाती हैं कि देखभाल करने वाला कोई नहीं होता. देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम. कि फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो विलास को अच्छे से पढ़ा सके, उसे सपोर्ट कर सके. विलास टू वाज फोर्स्ड टू सेल्फिश इन द सेम विलेज. विलास को भी बड़े होकर यही काम करना पड़ा. ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली अ मिल्स इनकम. अपनी मामा की तरह वो भी बहुत थोड़ी सी जो है आय वो कमा पाता था. तो यहाँ बेटा आपको 2 स्टोरीज से आपको इसको क्या समझ में आता है, द वैल्यू ऑफ हेल्थ एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन. 2 चीज़ें हमें यहाँ से समझ में आती हैं कि सकल को पूरा एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, उसकी मम्मा और पापा ने भी उसको सपोर्ट किया जिसकी वजह से वो अच्छी जॉब कर पा रहा है, अच्छी उसको सैलरी मिल पा रही है. उसके विपरीत हम अगर उसके बिल्कुल एक विलास की बात करें जिस जो है हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है, उसको एजुकेशन भी उसको नहीं मिल पाई है, इसलिए वो अच्छी जॉब भी नहीं कर पा रहा है. ठीक है, सो इन द 2 केस स्टडीज वी सो सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो. सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. देर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली. विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थलिस. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in private firm. तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या समझ में आता है कि सकल शुरू से ही हेल्दी है, स्वस्थ है, उसे डॉक्टर के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है. इसके विपरीत विलास जो है हमेशा बीमार रहता है, प्लस एजुकेशन भी अच्छी से नहीं मिली है. उसे बड़ा होकर अपनी मम्मी पापा की तरह ही फिशरमैन बनना पड़ा. ठीक है, इन द केस ऑफ सकल Several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. तो सकल की स्टोरी में हमने क्या देखा कि इतने सालों की जो मेहनत, तो बेटा सकल की स्टोरी से हमने क्या सीखा कि सकल ने इतने सालों की मेहनत की तभी उसकी जो है प्रोडक्टिविटी बन पाई, उत्पादन क्षमता, यानी जब ह्यूमन रिसोर्सेज में जो है निवेश किया गया. ठीक है, इन्वेस्ट किया गया किस चीज़ का, एजुकेशन का, हेल्थ का,
ठीक है, तभी तो उसका कौशल जो है, एक उसकी एबिलिटी जो है बाहर निकल कर आई, तभी वो अच्छी जॉब कर पाया। उसके विपरीत अगर विलास को देखो, कोई भी उसको एजुकेशन नहीं मिली तो वो कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाया। यानी कि इन्वेस्ट ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज वेयर एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल। तो यहाँ से हम समझते हैं कि निवेश करना ज़रूरी है, इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। जब तक निवेश नहीं किया जाएगा, किसी चीज़ में कुछ मेहनत नहीं लगाई जाएगी, तो हमें उसका आउटकम, हमें उसका रिजल्ट जो है नहीं मिल सकता। अगर मानव में भी अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का निवेश नहीं किया जाता, तो हमें मानव पूंजी के रूप में जो संसाधन मिल रहे हैं वो नहीं मिलते। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बेटा, जापान जैसी जो बड़े बड़े देश हैं, जो जिनको आज हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया, यानी मानव संसाधनों में निवेश किया। हालांकि उनके पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच, वो देश आज बहुत अमीर कहे जाते हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडिड इन देयर कंट्री। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड? दे हैव इन्वेस्ट ऑन पीपल, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, इस चीज़ को बेटा ध्यान से देखेंगे, उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया? एजुकेशन और हेल्थ। ओके, दिस इज़ द सेम जो हम इस पूरे चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। शिक्षा की क्या महत्वपूर्णता है, स्वास्थ्य की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, मानव संसाधन निर्माण में इन दो चीज़ों की क्या भूमिका है, ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं। आप सबको पता है कि आजकल महिलाएं भी जो है वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम को करने की कोशिश करती हैं। तो दोनों ही जो है आर्थिक क्रियाएं करती हैं। लाइक विलास एंड सकल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। वी सो दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकल गोट अ जॉब इन द फर्म। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में भी बेटा ये पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ओके, तीन तरह की जो है क्रियाएं होती हैं बेटा। देखो हिंदी में से कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो तीन तरह के ये क्षेत्र होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आती हैं? कृषि की क्रियाएं आती हैं, और जो है जंगल से जुड़ी क्रियाएं, वृक्षों को लगाना। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। ठीक है, खनन कार्य जितना होता है, खेतों से संबंधित जितना काम होता है, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सारी क्रियाएं हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र में हमारी जो आती हैं विनिर्माण की क्रियाएँ, यानी कैसे जो है कच्चे माल को फैक्ट्रियों में और कंपनियों में ले जाकर उनसे तैयार माल बनाया जाता है। ओके, एंड थर्ड सेक्टर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, दीज आर इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर। ये आती हैं हमारे तृतीय क्षेत्र में। तो तीन तरह की क्रियाएं हैं ये सारी, इन क्रियाओं को हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, दीज एक्टिविटीज थ्रू दिस वी कैन अर्न मनी, जिसके जरिए हम पैसा कमा सकते हैं, उन एक्टिविटीज़ को, उन क्रियाओं को हम कहेंगे आर्थिक क्रियाएं। ओके, अलग अलग काम जो है लोग करते हैं, और इनको हम मार्केट एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। दो तरह की जो है ये क्रियाएं होती हैं बेटा, बाजारी क्रियाएं, गैर बाजारी क्रियाएं। ठीक है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, तो दो तरह की होती हैं ये। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिमुनरेशंस टू एनीवन हु परफॉर्म, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए जो काम किए जाते हैं, दूसरे शब्दों में हम कहें पैसा कमाने के लिए जो काम किए जाते हैं, जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, बाजारी क्रियाएं कहते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। ओके, दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन।
ठीक है, नॉन मार्केट यानी कि गैर बाजारी क्रियाएं क्या होती हैं बेटा, जो अपने कंजप्शन के लिए यानी अपने उपभोग के लिए जो काम किए जाते हैं उनको हमने जो है, जैसे कि हम कुछ उगा रहे हैं खेतों में अपनी ज़मीन पर, लेकिन वो हमने बाज़ार में नहीं बेचना है, वो हमने अपने ही खाने के लिए अनाज उगाना है, तो वो हो गई हमारी गैर बाजारी क्रियाएं, ठीक है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो दो तरह की ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं बेटा, दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जो हम लाभ कमाने के लिए करते हैं, जो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, वो होती हैं मार्केट एक्टिविटीज़, बाजारी क्रियाएं, और जो हम अपने ही उपभोग के लिए करते हैं, अपने ही कंजप्शन के लिए करते हैं, वो होती है गैर बाजारी क्रियाएं, यानी कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न देर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। वुमेन जनरली लुक आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स। शकल्स मदर सीला कुक्स फूड, क्लीन्स यूटेंसिल्स, वॉशिज क्लोथ, क्लीन द हाउस एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। शकल्स फादर बूटा कल्टिवेटेड द फील्ड्स, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। ये आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में बीच में बेटा कामों का बंटवारा जो है वो हुआ है, ठीक है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो अक्सर घर के काम करती हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा, और जो पुरुष हैं वो अक्सर बाहर के काम करते हैं सारे, ठीक है, जैसे हमने स्टोरीज में भी पढ़ा। शीला इज़ नॉट पेड फॉर हर सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग फॉर द फैमिली। शीला को उसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते, वो अपनी फैमिली के लिए जो काम करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है या बर्तन साफ करती है, तो उसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है। विच ही स्पेंड ऑन रेयरिंग हिज फैमिली। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज नॉट रिकोगनाइज इन द नेशनल इनकम। औरतों द्वारा किया गया ये सारा काम जो है वो राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता, ठीक है, उसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती। गीता मदर ऑफ विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश, जबकि जो विलास की मदर थी वो मछलियाँ बेचकर पैसा कमाती थी। थस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। औरतों को पैसा तभी मिलेगा जब वो बाहर निकलकर परिश्रम करेंगी, यानी घर में किए गए काम के लिए उनको कोई भी जो है वो पेमेंट नहीं मिलती। दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। तो औरतें जो काम कर रही हैं उनके साथ वैसे भी डिफरेंस होता है, पुरुष और जो है महिलाओं में, अगर वो एक जैसा काम कर रही हैं सेम वर्क के लिए उनको वेजेस भी अलग मिलते हैं, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में कि एक जैसे काम के लिए उसी काम के लिए पुरुषों को सैलरी ज़्यादा मिलती है जबकि महिलाओं को कम मिलती है, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स इन द मार्केट। तो अगर जब हम मार्केट जो है ट्रेड फेयर की बात कर रहे हैं, बाज़ार की अगर हम बात करें, तो वहाँ किसी के भी कौशल को, किसी की योग्यता को कैसे देखा जाता है, उसकी एजुकेशन के ज़रिए, कि वो कितना एजुकेटेड है प्लस कितना स्किल्ड है, उसने कौन से कोर्स किए हुए हैं, उसने क्या सीखा हुआ है, ठीक है। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। वुमेन आर पेड लो कम्पेयर टू मैन। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। वेरियस एक्टिविटीज़ आर रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्टिव इज मेग्रे। यानी कि औरतों को जो है वो नौकरी की कोई सुरक्षा भी नहीं मिलती। ज़्यादातर औरतों को कहाँ काम करना पड़ता है, ऐसी जगह पर जहाँ उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको पे स्केल भी बहुत कम मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इज दिस सेक्टर इज़ करेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम, ठीक है। तो मतलब इरेगुलर, कोई जॉब की उनको कोई रेगुलर जॉब नहीं मिलती है, उनको बहुत कम ऐसी जो है महिलाएं निकलती हैं जिनको रेगुलर कोई जो है गवर्नमेंट सर्विसेज मिलती हैं या रेगुलर जॉब मिलती हैं। इन दिस सेक्टर देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ऐसी जगह पर काम करती हैं महिलाएं, वुमेन स्पेशली, उनको जो है मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश भी नहीं मिलता, बच्चों को जो है क्योंकि उन्हें बच्चों को की देखभाल भी करनी पड़ती है तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा वेकेशंस भी नहीं मिलते। हाउएवर वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड ऑफ पर विद द मैन। यानी कि ऐसी औरतें जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बड़े बड़े कोर्सेज जिन्होंने किए हुए हैं, सिर्फ उन्हें ही जो है आदमियों के बराबर की जो पेमेंट है वो मिलती है।
अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। अगर हम बात करें तो दो बड़े क्षेत्र हैं, एक तो मेडिकल लाइन है, डॉक्टरी की लाइन है, ठीक है, प्लस एक टीचिंग है, जो कि सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं हमें वहाँ देखने के लिए मिलती हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। आजकल हमें प्रशासन में भी बहुत सारी महिलाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितना पार्टिसिपेंट उनका होना चाहिए। कि बेटा सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें बेटा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में यानी कि गुणवत्ता, जनसंख्या की जो गुणवत्ता है, उसकी गुणवत्ता को, उसकी स्किल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये हम पढ़ेंगे अपने दो जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के हेल्प से, दैट इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, फर्स्टली एजुकेशन की अगर हम बात करें, सकल की स्टोरी हमने पढ़ी, उसकी जो है एजुकेशन स्किल उसका बहुत अच्छा रहा, वो अच्छे से उसने पढ़ाई करी, कोर्स किया, तभी तो उसे जॉब मिली, ठीक है। जो सकल ने जो एजुकेशन ली, इट ओपन न्यू होरिजोन फॉर हिम, नए रास्ते जो हैं उसके लिए खोल दिए एजुकेशन ने, प्रोवाइडेड न्यू नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो, इनहेंस द एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, ठीक है। तो सिर्फ हम ये सकल की ही बात नहीं है कि सकल के ऊपर एजुकेशन में इतना सारा जो है इन्वेस्ट किया गया है, इवन अगर लड़कियों के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर भी इतना सारा इन्वेस्ट जो है उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर किया जाए, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर किया जाए, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए ही बहुत अच्छा होगा। देयर इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टडी विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। इसके लिए हमारे भारत में भारतीय सरकार ने भी बहुत सारे काम किए गए हैं, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ाती हैं, हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारे मानव संसाधन है, मानव पूंजी है, ये हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने कितने सारे इसके लिए प्रोग्राम चलाए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय योजना, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम खर्च में वहाँ पे पढ़ सकें, ठीक है। स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, ऑक्यूपेशन बेस्ड एजुकेशन, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा, हिंदी में हम उसे कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें व्यवसाय का भी ज्ञान दिया जाता हो, कुछ ना कुछ कोर्सेस, ठीक है। लाइक हमारी गवर्नमेंट ने 151 crore इन द फर्स्ट प्लान टू रुपीज़ 3766.90 crore इन द 11th प्लान। फर्स्ट प्लान के अकॉर्डिंगली अगर हम कंपेयर करते हैं, जो प्लानिंग कमीशन है हमारी, योजना आयोग ने जो योजनाएं बनाई थी, तो हमारा जो फर्स्ट प्लान था उसके अकॉर्डिंगली हर साल एजुकेशन पे कितना खर्चा होता है, जिससे हमारा जो GDP रेट है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन में। ओके, लाइक दिस ह्यूमन बीइंग इज़ अ पॉजिटिव असेस्ड एंड प्रीशियस नेशनल रिसोर्सेज विच नीड्स टू बी क्रेडिट न्यूट्रिस्ट एंड डेवलप्ड विद टेंडर्स एंड केयर कपल्ड विद डायनेमिज्म। ये स्टोरी जो है छोटी सी आपको हेल्थ के लिए बताई जा रही है, कि स्वास्थ्य में अगर जितना ज़्यादा निवेश करेंगे, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने देश के निर्माण में सहायक हो सकता। टेबल फॉर यू, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, शिक्षा वित्त को बढ़ाने के लिए, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ जो है कितनी ज़्यादा बढ़ाई गई। विद द ईयर 1950-51 जब हमारी फर्स्ट जो है प्लान बना था, पहली जो योजना बनाई गई थी, उसमें कितने कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी थी, और स्पेशली लास्ट जो डाटा दिया हुआ है 2016 और 2017 का, ठीक है, तो इसमें कितने जो है नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज हुए, ये थोड़ा सा जो है एजुकेशन का डाटा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज अ परसेंट ऑफ GDP हैज़ डिक्लीन्ड ऑफ 2.7% इन 2017-18। सकल घरेलू उत्पाद की जो बढ़ोतरी है वो शिक्षा में निवेश की वजह से ही हुई है। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% टू 1951-74%, 18 से बढ़कर जो है वो 74% जो है 2010-11 के मुकाबले हो गया। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, लिटरेसी मीन्स होता है बेटा साक्षरता दर, हिंदी में हम इसे कहेंगे साक्षरता दर। साक्षर होना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, इट इज़ आल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड इन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। एजुकेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एजुकेशन के ज़रिए ही किसी देश के नागरिक जो हैं वो अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों का प्रॉपर यूज़, यानी कि अच्छे से उनका उपयोग कर सकते हैं। को केरला में, हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं, सबसे अच्छा जो लिटरेसी रेट है केरला, 62%,
द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 लाख इन 2013-14। ये आपको अकॉर्डिंग टू टेबल आपको बताया जा रहा है ये क्यों बढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है स्किल्ड और कुछ प्लानिंग्स भी आपको बताई जा रही हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था हमारी भारतीय सरकार के द्वारा, जिसमें क्या रूल था बेटा, यहाँ पे 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में जो है एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में बिना किसी फीस के जो है शिक्षा दी गई थी, ठीक है। द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अलॉन्ग विद इट ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएट टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें क्या किया गया था भाई, बैक टू स्कूल यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनके कारणों का पता लगाना और उनको वापस से जो है स्कूल में एडमिशन दिलवाना, ताकि कम से कम जो प्राथमिक शिक्षा है वो सर्व शिक्षा अभियान के जरिए सारे बच्चों को मिल सके। तो इसके लिए एक और योजना शुरू की गई थी, एक और प्लानिंग जो है जिसका नाम था मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज अटेंडर्स एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। दीज पॉलिसीज कुड एड टू द लिटरेस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मिड डे मील स्कीम में क्या था बेटा, कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, प्लस उनको खाने को भी जो है अच्छी तरह से वो जो है प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो उनके लिए स्कूल में ही खाने की योजना जो है चलाई गई हमारी भारतीय सरकार द्वारा, कि इन बच्चों को स्कूल में ही एक टाइम का खाना जो है दिया जाएगा, ताकि इनका एजुकेशनल स्किल भी इम्प्रूव हो सके, प्लस न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी कि हेल्थ केयर, इनकी जो है एक सुरक्षा जो है स्वास्थ्य सुरक्षा भी इनको मिल सके। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इन नीतियों के जरिए जो है भारत में साक्षरता दर को बढ़ावा मिला। द 12th प्लान टू रेज द कंट्रीज ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 years ऑफ 25.2% बाय 2017-18 टू रीच द टारगेट ऑफ 30% बाय 2020-21। 12वीं जो हमारी योजना थी जो हमारी प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी उसके ज़रिए लिटरेसी रेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना था, ताकि 2020-21 तक इस परसेंटेज को जो कि 25.2 थी इसको जो है बढ़ाकर 30% कर दिया जाए, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज, जो विश्व की एक एवरेज है, ठीक है। विश्व की एवरेज, एवरेज का मतलब होता है बेटा औसत, ठीक है, औसत निकालना। औसत का मतलब होता है कि पर्टिकुलर नंबर तो हम नहीं निकाल सकते कि लगभग इतने लोग पड़े हुए हैं, तो औसत निकाल लेना, उसका एवरेज निकाल लेना, ठीक है। और इसमें एडिंग हुई थी बेटा नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ये योजनाएँ चलाई गई थी, जिसमें कि वोकेशनलाइजेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा देना एक प्रेफर जो है गवर्नमेंट ने, सरकार ने किया कि व्यावसायिक शिक्षा जो है इनको दी जाएगी। दे हैज बिन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। इसके चलते जो है देश में संस्थाएँ और विश्वविद्यालयों की संख्या को बढ़ाया गया था, ठीक है जी। तो ये टेबल हमने देखा अभी, इस टेबल में सब जो है पूरा बताया जा रहा है कि 2016-17 तक कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारी सरकार द्वारा खोले गए थे। खैर जी, हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये हमें विलास की स्टोरी पढ़ के जो है पता चलता है। अगर विलास पूरी तरह से स्वस्थ होता सकल की तरह ही, तो उसका भी पढ़ाई में मन लगता, वो भी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकता था, प्लस डॉक्टर के पास बार बार जाने के झंझट से भी वो बच सकता था। तो हेल्थ इज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस ऑफ रियलाइजिंग वंस वेलबींग। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, एक स्वस्थ व्यक्ति ही जो है अपने रिजल्ट के बारे में, अपने निर्णयों को अच्छे से ले सकता है, प्लस अपने देश के निर्माण में योगदान कर सकता है। हैंसफोर्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए कि उस देश की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, स्वस्थ हो।
ठीक है, एम्स एट इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन सर्विस विद स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार की जनसंख्या की जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि उसका स्वास्थ्य स्टेटस क्या है, उसका स्वास्थ्य किस हद तक जो है वो किस हद तक बीमारियों से लड़ सकता है। स्पेशली अगर हम बात करें अब प्रेजेंट इरा की, कोरोना काल की, तो वो यहाँ से कितना मैच है। कोरोना इरा में इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं कितने ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी अच्छी है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। ठीक है, द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। अब इस चीज़ की ज़रूरत बेटा दोनों में है, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। काम तो जो है ह्यूमन जो है कैपिटल का जो काम है वो दोनों जगह पर है, यानी कि जितनी भी मशीनरी का हम उपयोग कर रहे हैं वो बिना लोगों के तो काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सारी जो एक जो लैंड रिसोर्सेस है, जो कैपिटल रिसोर्सेस है, जितने भी हमारी भूमि है, जो हमारे संसाधन हैं, उनको हम तभी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जब हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। देयर आर मैनी प्लेसेज इन इंडिया विच डू नॉट हैव बीन दिस बेसिक फैसिलिटी। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेज। देखो ये आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे हेल्थ ट्रांसप्लांटेशन ओवर द ईयर, यानी कि टेबल भी आपको छोटा सा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईयर। ये देखो डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, बेड्स, रजिस्टर्ड डॉक्टर, मेडिकल काउंसिल्स, नर्सिंग पर्सनल्स, थोड़ा सा डाटा आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे भारत में इसकी कितनी कमी है। और स्पेशली इस वाले टाइम में, यानी इस कोरोना के समय में, हमें पता लग रहा है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी पीछे हैं। हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करने की, विकास करने की। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत कम है, डेंटल कॉलेज भी बहुत कम है। जस्ट फॉर स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। यानी जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ से बच्चे पढ़कर जो है डॉक्टर्स बन सकते हैं, हेल्थ केयर का काम कर सकते हैं, वो भी कितनी जो है कम जनसंख्या है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर हेल्थ स्टेटस, और ये कितना ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी ही नहीं होंगे तो हम अपने किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं।